स्पेस वाइज अभी मैंने सिंगल अपार्टमेंट ले लिया है एंड यहाँ का रेंट एंड सब कुछ मैं बोल दूंगा आपको, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सब पता चले। क्योंकि लास्ट के वीडियो में मैंने जब बनाया था मेरा पहला अपार्टमेंट टूर, उसमें मैंने एंड में सब बता दिया था डिपॉजिट कितना है, रेंट कितना है, फिर भी लोग कमेंट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछते हैं भाई रेंट क्या है और डिपॉजिट कितना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सब पता चले। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज दिग्विजय भुजबल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैंने अभी सिंगल अपार्टमेंट ले लिया है एंड इसके लिए मैं अभी ऑलमोस्ट 10-15 यूरो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। लेकिन ये 10-15 यूरो में क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ मैं अभी आपको बता दूंगा। एंड पहले मैं रूम मेरा खाली है, मैंने अभी कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो सबसे पहले रूम खाली है, तब तक आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ रूम के बारे में। और अगर आपको पूरे हॉस्टल के बारे में जानना है तो मैंने पहले ही इस पे वीडियो बना दिया है, अगर आपने हॉस्टल का वीडियो नहीं देखा तो आप वो जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे, तो आपको पूरा हॉस्टल भी समझ आएगा। और रूम का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि ये सेम ही हॉस्टल में रूम है, बस ये सिंगल रूम अपार्टमेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या है मेरे लिए और मैं क्यों इसके लिए 10-15 यूरो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। सो ये सिंगल रूम में मुझे ए बुक शेल्फ जो है ए दो मिले हैं, ए फर्स्ट एंड ए सेकेंड। जब मैं पहली रूम में रह रहा था मेरे दोस्त के साथ तो ये बुक शेल्फ हमें दोनों में शेयर करना पड़ रहा था, तो बहुत बार हमारे डॉक्यूमेंट मिक्स हो जाते थे। एंड ये बड़ा बुक शेल्फ है यहाँ पे। अब ये सभी जो बुक शेल्फ है वो एक ही पर्सन को यूज करने मिलेंगे, तो जो मटेरियल है जो अपना सामान है अच्छे तरह से बैठ जाएगा एंड कुछ मिक्स होगा नहीं यहाँ पे। एंड पहले रूम में हमारे एक टेबल था डिनर लंच के लिए एंड वो एक स्टडी टेबल था, तो जब दोनों को स्टडी करना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर भी हम दोस्त थे तो अंडरस्टैंडिंग से काम चला लेते थे। फिर भी अभी इतना पे कर ही रहे थे तो और बस 10-15 यूरो अपग्रेड था, तो हमने सोचा कि दोनों भी अभी हमने रूम चेंज कर लिया है और डबल रूम हमने सबमिट करके अब सिंगल रूम ले लिया है। एंड एक किचन है यहाँ पे, सो एक किचन में यहाँ पे ऐसे भी इंडक्शन है, यहाँ पे कुछ गैस वगैरह नहीं है एंड इसके अंदर स्टोर करने के लिए भी स्पेस है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज है जो अभी तक तो खाली है, मैंने कुछ सामान यहाँ पे भी लाया नहीं हूँ। यहाँ पे भी स्पेस अच्छा दिया हुआ है एंड यहाँ पे बस हम इंडियन जब खाना बनाते हैं तो हमारा थोड़ा स्पाइसी खाना रहता है, तो बस ये चीज याद रखिएगा जर्मनी में कि एग्जॉस्ट चालू करना मत भूलिएगा कभी भी, क्योंकि ये बहुत से अपार्टमेंट में एक फायर अलार्म होता है, सो ये बज ना जाए इसका भी फाइन होता है नहीं तो, तो ये ध्यान रखिएगा। और मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने हॉस्टल पे बनाया था उस वीडियो में एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि ये कुकर से भी बजता है क्या, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से अभी तक तो ये कभी कुकर से बजा नहीं है क्योंकि उसमें से स्टीम बाहर निकलती है, धुआं नहीं निकलता और ये धुआं सेंस कर लेता है सेंसर, सो एक कुकर से कुछ भी नहीं होता है इसको। तो जब भी आप कुछ स्पाइसी बना रहे हो तड़का मार के तो ध्यान रखिएगा कि ये ऑलवेज ऑन रहना चाहिए, नहीं तो वो अलार्म बज जाएगा और आपको फाइन हो जाएगा उस चीज़ से। सो गाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एडवांटेज क्या है सिंगल रूम लेने का और हम क्यों दोनों भी हम रूममेट और मैं ले रहे हैं कि ए टेबल चेयर और स्टडी टेबल चेयर, ये जो बुक शेल्फ है 1-2 ये अभी हम अकेले शेयर करेंगे, तो ताकि हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट में कुछ इधर उधर ना हो जाए। एंड सिंगल रूम अपार्टमेंट का ये भी एक फ़ायदा है कि ये जो कबर्ड है कपड़े रखने का
ये भी आप अकेला इंसान यूज करेगा। एंड बस यही एडवांटेज है, बस एक ही डिसएडवांटेज मुझे लगा कि अब हमें ऐसे काउच पे सोना होगा, यहाँ पे बेड नहीं होगा सिंगल अपार्टमेंट में। एंड वॉशरूम है यहाँ पे, टॉयलेट, बिग मिरर है, एंड यहीं पे शॉवर है। तो अपार्टमेंट शेयर न करने का एक फायदा होता है कि एक तो सबसे पहली बड़ी बात हाइजीन, एंड अगर कोई ना आ रहा है तो आप टॉयलेट के लिए नहीं जा सकते। अगर सिंगल रूम अपार्टमेंट है तो आपके हिसाब से सब चलेगा। सो गाइस, अपार्टमेंट शेयरिंग के बारे में प्रॉब्लम तब होती है जब समझ लो सभी लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, एंड पार्ट टाइम जॉब के लिए सभी को बाहर जाना है एक ही टाइम पे सुबह। तो सो ए रूम में कुछ एसी वेंट दिया है, ए रूम में एसी वेंट देने का एक कारण है कि ए रूम जो है फोर्थ फ्लोर पे है और यूरोप में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये फोर्थ फ्लोर पे है, यहाँ पे फैन वगैरह कहीं पे नहीं होता है, तो आप अलग से फैन खरीद सकते हो, बस यही है। तो मिलता हूँ मैं आपको रूम सेट करने के बाद, मैं मेरा सामान आज यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, एंड मैं कंटिन्यू करके आपको बताऊँगा कि मैंने सामान जो लाया है सेट करने के लिए, वो सामान आप जर्मनी में कहाँ से खरीद सकते हो, बर्लिन जैसे सिटी में आपको कहाँ पे सस्ते में सामान मिल जाएगा, ये सभी चीज़ें मैं बताता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने मेरा 90% सामान तो नीचे से ऊपर ला दिया है, एंड ग्रोसरी भी ला दी है मैंने फ्रिज से नीचे। ग्रोसरी के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पे ग्रोसरी कैसी मिलती है, क्या रेट में ग्रोसरी मिलती है और क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो अब ये सामान में सब लगवा के आपको बाद में मिलता हूँ। Several days later. तो गाइस एक्चुअली सॉरी, मैं इतने दिन में तो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अभी कुछ 15-20 दिन से फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटा पर डे। सो इसीलिए एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने में के लिए, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता जाएगा मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन दिसंबर महीने तक तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस साल के मुझे कुछ वर्किंग आवर्स बाकी थे, क्योंकि मैं 7 महीना तो इंडिया में था, तो इस साल के सिर्फ, तो दिसंबर तक मैं वो यूज़ कर लूँगा, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, ताकि वो बड़ा सब्जेक्ट है तो सब आपको समझ में आए कि वर्किंग आवर्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। और अभी मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो विंटर में यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा होता है, अभी बजे सिर्फ 4:20 एंड आप देख सकते हो यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो गया है और 10-15 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो विंटर में दिन बहुत छोटा होता है यूरोप में, लगभग 8 सनराइज़ होके 3:30-4 तक तो सनसेट हो जाता है और 4:30 तक पूरा अंधेरा हो जाता है। सो गाइज, अभी मैंने सब सेटअप कर ही लिया है तो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ बर्तन रखने के लिए जगह है, ये सभी मैंने कॉफलैंड से लिए है कप, एक यूरो के दौरान आ जाते हैं कप, एंड यहाँ पे भी बर्तन रखे हैं मैंने, ये बहुत सारे मैंने इंडिया से ही लाए हैं।
के इंडक्शन है, गैस नहीं है, तो इसमें एक दो तीन के हिसाब से सेटिंग होते हैं, तीन मतलब मैक्सिमम, एक मतलब मिनिमम। एंड इसमें ठंडा पानी गर्म पानी आता है, ये रेड लाइन यानी कि गर्म पानी, ब्लू लाइन यानी कि ठंडा पानी। सो ये चीज़ें मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताई है, तो इतना मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रूम है। यहाँ पे फ्रिज है जो मैंने अभी सब रख दिया है इसमें, और ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। एंड यहाँ पे अपना वेस्ट डालने के लिए स्पेस दिया है। यहाँ पे एक वाईफाई राउटर की केबल है, एंड वाईफाई राउटर यहाँ पे है। ये जो सिस्टम है वो अगर कोई आपका दोस्त या फिर कोई बाहर से आता है, और जो नीचे एंट्रेंस में जो हॉस्टल का जो गेट है वो आप इसकी से ओपन कर सकते हो, तो एक सिस्टम अच्छा है। बाकी सब मैंने अभी रूम तो सेट कर लिया है, तो यस गाइज वही बस इतना ही है। एंड हाँ, जो कुछ सामान है मैंने मोस्टली ऑफलाइन से लाया है, एंड ये अभी मैंने सैंडविच मेकर लिया है। एक्चुअली इसमें ग्रिल भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं मोस्टली सैंडविच ही बनाता होता हूँ, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें गाइस, ऑफलैंड एक शॉप है यहाँ पे, तो वहाँ पे सस्ते दाम में मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। जैसे मैंने कप्स वगैरह भी वही से लिए हैं, तो आपको कुछ लेना है तो आप ऑफलैंड शॉप प्रेफर कर सकते हो यहाँ पे। एंड ये यूनिवर्सल एक्सटेंशन बोर्ड है जो हम सभी को दो तो साथ में रखने ही चाहिए। इवन ये मैट भी मैंने ऑफलाइन से ही लिया है, तो इसके अंदर भी मैंने मेरे सब कपड़े सेट कर दिए हैं। तो एंड बाथरूम के अंदर भी सभी चीज़ें मैंने सेट कर ली है। ये हैंड वॉश भी मैंने रेवे से ही लाया है। ये चीज़ें भी मोस्टली कुछ रेवे से लाई है, कुछ ऑफलाइन से लाई है। सो गाइज, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि आप मुझे पूछते हो कि यहाँ पे रूम मिलेगा क्या। देखो गाइज, यहाँ पे लगभग 200 के ऊपर रूम्स हैं, तो मुझे भी पता नहीं रहता कि कौन से रूम खाली है क्या है, मैं सिर्फ उतना तो काम नहीं करता। तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट को पूछ सकते हो ईमेल करके कि रूम अवेलेबल है क्या, वही बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे रूम मिल सकता है या नहीं। और यहाँ पे रेंट अभी है मेरा 370 यूरो विदाउट वाईफाई, एंड लॉन्ड्री सर्विस भी उसमें इंक्लूड नहीं है। सो वाईफाई आपको यहाँ पे पर मंथ मिल जाएगा 25 यूरो 26 यूरो को। सिंगल रूम का अभी रेंट है 370 और वाईफाई को मिला के 395 हो जाता है, और डिपॉजिट है 2 महीने का, और वो लगभग हो जाता है 740 यूरो। आप वो डिपॉजिट 3 महीने में इंस्टॉलमेंट से दे सकते हो, तो वो भी आपको एज अ स्टूडेंट्स बहुत बड़ा लोड नहीं होगा एक ही महीने में पूरे देने का। एंड That's it for this video. I think मैंने try किया है जितना हो सके उतना बताना। अगर फिर भी मुझसे कुछ miss हो गया हो, तो आपको कुछ जानना हो, तो आप comment कर सकते हो, और या फिर मुझे Instagram पे DM करके पूछ सकते हो। So see you in next video guys. Stay safe, stay healthy. Bye.